खुद पे डाल दो नजर, हालातों से हार कर कहाँ जला रे, हाथ की लकीर को मोड़ता मरोड़ता है हौसला रे। तो खुद तेरे ख्वाबों के रंग में तू अपने जहाँ को भी रंग दे, कि चलता हूँ मैं तेरे संग में, हो शाम भी तो क्या, जब होगा अंधेरा तब पाएगा दर मेरा, उस दर पे फिर होगी तेरी सुबह। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। धुंधला जाए जो मंजिले, एक पल को तू नजर झुका, झुक जाए सारे जहां वही मिलता है रब का रास्ता। तेरी किस्मत तू बदल दे, रख हिम्मत बस चल दे, तेरे साथ ही मेरे कदमों के है निशान। तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा। Hey guys, welcome back to my channel. Hi channel. अभी हम क्यों आए हैं मालूम है आपको? सुनिए, यहाँ बज रहे हैं पूरे 12:15, ठीक है, 12:15 बज रहे हैं। इनफैक्ट इसको बोलते हैं 11:45 बोलता है, राइट? तो 12:15 बज रहे हैं, ठीक है। अब अगले दिन पे हम नवरात्रि के दिन पे हम कदम रखेंगे, यानी नवरात्रि पड़ जाएगी ना 12 बजे, ठीक है। और आपको पता है सिद्धिदात्री, ठीक है, माँ सिद्धिदात्री नवरात्रि का आखिरी दिन होता है, जिसमें माँ सिद्धिदात्री का रूप की हम पूजा करते हैं, ठीक है, उनका वो वाला रूप अवतरित होता है। अभी हम क्यों आए हैं, वो एक बहुत ही ज़रूरी बात करने आए हैं, ज़रूरी बात, ठीक है। पता नहीं किन लोगों के लिए क्या है, लेकिन ऐसी एनर्जीज थोड़ी सी हमने ग्रैब करी हैं जिसमें हमें लगता है कि कुछ कलेक्टिव पीपल, कलेक्टिव मतलब कुछ एक झुंड लोगों का, ठीक है, थोड़ा लो फील कर रहे हैं, ठीक है। हमें व्हाट्सएप पे भी कुछ मैसेजेस आए हैं जिसमें लोग, मतलब ऑब्वियसली हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है, हमारे कुछ स्टूडेंट्स हैं, थोड़ा सा लो फील कर रहे हैं। तो हमें शाम से वैसे भी थोड़ी सी कलेक्टिव वाइब्स ऐसी आ रही थी जिसमें कुछ लोग ऐसा लग रहा है कि थोड़ा अपने आप को हारा हुआ महसूस कर रहे हैं। अगर ऐसा है तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। हम स्पेशली सिर्फ और सिर्फ रीडिंग के लिए आए हैं इस समय, और अदरवाइज़ आपको पता है इतनी रात को हम वीडियो नहीं बनाते हैं, ठीक है। और इस वीडियो को तुरंत जैसे ही ये वीडियो बन जाएगी हम इसको अपलोड पे डालेंगे, ठीक है। अब पता नहीं आप रात को देखें या कल सुबह देखें, नवरात्रि के मौके पर देखें, लेकिन कुछ ना कुछ गाइडेंस, कुछ ना कुछ आपको नहीं मालूम है कि तू न जाने आस पास है खुदा, तू न जाने आस पास है खुदा, ठीक है, आपके आस पास ही है आपका ईश्वर, आपके प्रभु, लेकिन क्योंकि आप कहीं कहीं पर स्टक हो रहे हैं, कहीं कहीं पर आपको लग रहा है कि चीज़ें आपके फेवर में वर्क नहीं कर रही हैं, और आप जो है ऑलमोस्ट गिव अप अगर करने वाले हैं कि थक गए हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है, ठीक है। सबसे पहले हम आपसे एक बात बताएंगे रीडिंग स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, सुनिएगा, ज़रूर, इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़रूरी बात है। आप इस चैनल पे क्यों आए हैं,
हम आप लोगों से कमेंट आप लोगों को जानना चाहेंगे। प्लीज़ कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा कि आप हमारे चैनल पे क्यों हैं, ठीक है। क्योंकि हमारी जर्नी, जो लोग नए हैं वो मत कीजिएगा, उनको नहीं मालूम है हमारे बारे में। जो अभी आज आए हैं, शायद कल आए हैं, परसों आए हैं, जो अभी 10-12 दिन पहले आए हैं, उनको नहीं मालूम है। लेकिन जो एटलीस्ट 4-6 महीने से इस चैनल पे जुड़े हुए हैं, स्पेशली वो लोग कमेंट अवश्य कीजिएगा। और जो लोग 6 महीने से ज़्यादा इस चैनल पे जुड़े हुए हैं वो भी कीजिएगा। हम जानना चाहते हैं कि आप इस चैनल पे क्यों हैं। हम तो खुद एक डीमोटिवेटेड पर्सन हैं। पूरी तरीके से पॉजिटिव पर्सन आई एम नॉट, पूरी तरीके से हील्ड आई एम नॉट, ठीक है। और स्ट्रॉन्ग बोल्ड पर्सनैलिटी, ब्लंट आई एम नॉट, इमोशनल आई एम, ठीक है, ऑनेस्ट आई एम, ओपन बुक आई एम, ठीक है। अब इसमें भी, इन सब चीज़ों के होने के बाद भी कुछ लोगों को हम फेक लगते हैं, होंगे ऑब्वियसली। सबका देखने का नज़रिया अलग होता है, हर किसी का सोचने का दायरा, द वे दे सी, देयर पॉइंट ऑफ द पर्सपेक्टिव, फ्रॉम द एंगल दे सी, फ्रॉम द एंगल दे व्यू अ पर्सन इज डिफरेंट। कलेक्टिव रीडिंग होती है, कलेक्टिव लोगों की एनर्जीज हम ग्रैब करते हैं। तो हम हमेशा बोलते हैं कि सारे लोग खुदा के नेक बंदे नहीं होते। इस दुनिया में कितने लोग हैं, कितने करोड़ लोग हैं, हमें नहीं मालूम है। स्टैटिस्टिक्स पे नहीं जाना चाहेंगे, देखिए इतनी नॉलेज नहीं है हमारे पास। तो भुक्तभोगी आप लोग जो हैं इस चैनल पे, आप लोगों को पता है ना कि कितने लोग हैं दुनिया में जो खुदा के नेक बंदे हैं और कितने लोग हैं जो नहीं हैं। आप लोगों ने हमें कई बार, हम कई बार गिरे, इमोशनल, हम तो रीडिंग करने आए थे भाई, आप लोगों को मोटिवेट करने आए थे, बट यहाँ तो हम खुद ही इमोशनल हो जा रहे हैं। लेट मी पॉज, सॉरी, नाउ आई एम गुड। क्या होता है कि थोड़ा टाइम लग जाता है हमें, हम यहाँ आप लोगों को, आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान लाने आते हैं, आप लोगों को रुलाने नहीं आते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों को हमको देख के खुशी मिलती है, देन आई एम ग्लैड। अगर आप लोगों को हमारी बातें सुन के अच्छा लगता है, आई एम ग्लैड। अगर आप लोग हमारा थोबड़ा देख के आप लोगों के चेहरे पे मुस्कान आ जाती है, आई एम ग्लैड। क्योंकि आप लोगों के अलावा ऐसा किसी को लगता नहीं है। वेट, सॉरी, शायद ये वीडियो बार बार हमें पॉज करनी पड़े, क्योंकि सी आई डोंट वॉन्ट टू क्राई एंड आई डोंट वॉन्ट यू टू क्राई, लेकिन कुछ एनर्जीज हमने ग्रैब की हैं जो बिल्कुल बिल्कुल हूबहू हमारी तरह हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोग होंगे जो अपने आप को थका हुआ महसूस कर रहे हैं, ऐसा क्या करके आए हो भाई, ईडन गार्डन के 10 चक्कर काट के तो नहीं आ गए हैं, ना थका थका महसूस क्यों कर रहे हो। होता है, होता है, जिंदगी है, होता है, ठीक है। हम हमारे हुलियों को भी जज करते हैं लोग कि थोड़ा, आप लोगों के बहुत पुराने पुराने कमेंट्स हैं जिसमें आप बोलते हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि थोड़ा बिंदी लगा के आओ, थोड़ा सा लिपस्टिक लगा के आओ, थोड़ा बन के आओ यार, थोड़ा बन के बैठो। हम ऐसी घर पे भी ऐसी रहते हैं और हम ऐसी आते हैं, दिस इज़ हाउ आई एम, ठीक है। अब नहीं पता कि वो होता ना कि चकाचौंध के बाद इंसान का रूप अलग हो जाता है, हम नहीं चाहेंगे कि अगर ऐसा चकाचौंध हमको, हमारा रूप बदल जाए या हम इतना ज़्यादा उस ग्लैमर वर्ल्ड में खो जाएं, तो लानत भेजते हैं हम ऐसे ग्लैमर को, ना आए हमारे पास ऐसा ग्लैमर, ना फटके हमारे पास, नहीं, हमको नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए, कभी ना आए ऐसा ग्लैमर हमारे पास, नहीं चाहिए, जाओ यार, दूर जाओ। लेकिन
आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमको उसी प्रकार से एक्सेप्ट किया है, द वे आई एम. आई एम वेरी ग्रेटफुल कि आप लोगों ने हमको क्या ही सोचा था, हमने क्या सोच के हमने चैनल बनाया था है, और क्या अभी हम कर रहे हैं. आए दिन चैनल पे रोते रहते हैं ऐसे जंगलियों की तरह आ जाते हैं बिना बाल कंघी किए. ठीक है, बाल बनाने का भी टाइम नहीं होता हमारे पास, ऐसे ही आ जाते हैं, वैसे ही आ जाते हैं. लेकिन हमारे जो रीडिंग है ना, उसमें हम कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं, क्योंकि जब भगवान को कोई दिक्कत नहीं आ रहा, भगवान हमको नहीं बोलते कि यार कभी बाल बना के भी आ जाया करो बेटा है, कभी जो है अच्छे अच्छे कपड़े पहन के परफ्यूम लगा के बैठा करो, लिपस्टिक लगा के बिंदी लगा के बैठा करो, रीडिंग करा करो. वो हमें जज नहीं करते हैं, हम उनके सामने ही बैठे होते हैं. बिल्कुल गणपति बैठे हैं ना हमारे सामने, आपको पता है टेबल पर रखे हुए हैं. उनके सामने बिल्कुल कार्ड्स का जो स्प्रेड होता है वो बिल्कुल इनके सामने होता है. ठीक है, ये साक्षी हैं हमारे, ये रोज़ देखते हैं हमको, रोज़ देखते हैं हमको. 11:11 देखा हमने कैमरे पर, ये रोज़ देखते हैं हमको, ऐसे ही देखते हैं, कई बार रोते हुए भी देखते हैं. अभी जैसे देखा, एक मिनट, हमने बोला था कि वीडियो हम बार बार पॉज करेंगे और बार बार प्ले करेंगे. आप लोगों की एनर्जीज डाउन हो रही हैं हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि अच्छा अच्छा चल रहा होगा ज़िंदगी में, ठीक ठाक होगा, कोई बहुत बड़ी बड़ी तबाही नहीं मच रही होगी, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा होगा जैसे क्या ही है ज़िंदगी, क्या ही है ज़िंदगी. पता है हम इतने पॉजिटिव नहीं हैं, इतने क्या हम हैं ही नहीं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. पॉजिटिविटी का पी नहीं है हमारे अंदर है. लोगों ने हमको हमेशा से एज अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन देखा है. पीपल हैव देयर पर्सनल, पीपल ऑलवेज हैव देयर पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, द पर्सनल ओपिनियन टूवर्ड्स मी दैट शी इज़ काइंड ऑफ अ वेरी नेगेटिव काइंड ऑफ अ पर्सन. और बहुत सारे लोगों ने डायरेक्ट हमारे हमारे थोबड़े पे बोला यार कि तुमसे इतनी नेगेटिव वाइब्स आती है. इवन हमको नार्सिसिस्ट बोला है बहुत लोगों ने. आपको पता है नार्सिसिस्ट क्या होता है, जाके गूगल कीजिएगा, बहुत भारी भरकम वर्ड होता है पता है. नार्सिसिस्ट जो जिससे दूसरों की खुशी नहीं देखी जाती हो है, नार्सिसिस्ट हमको, अरे यार हमको पता ही नहीं है कि हम नार्सिसिस्ट हैं. नहीं, नेगेटिव है, नेगेटिविटी हमारे ऊपर हावी होती है. आई एग्री, बहुत खुले तौर पे हम एक्सेप्ट करते हैं कि हाँ नेगेटिविटी बहुत भर भर के है हमें. नार्सिसिस्ट होगा, किसी को तो लगा होगा, तो जाहिर है जिसको लगा उसी ने तो बोला हमको है, तो हम नार्सिसिस्ट होंगे फिर. उसको जब लगा है तो हम होंगे नार्सिसिस्ट है, दूसरों की खुशी से जलने वाला इंसान है. और नेगेटिव ऑरा जिसका होता है, बहुत डार्क एनर्जीज होती है, सीक्रेटिव डिसेप्टिव एनर्जीज होती हैं जिसकी है, और जिसके इंटेंशंस इरादे अच्छे नहीं होते, गलत इरादे होते हैं, ऐसे पर्सन हैं हम, ऐसे प्राणी हैं. तो ऐसे प्राणी की रीडिंग्स आप देखने आते हो इस चैनल पे हैं, और आप लोग बोलते हो कि वीडियो रोज़ डाला करो. हमको देखे बिना आप लोगों के मैसेजेस उस पर मेल पे आ जाते हैं, व्हाट्सएप पे आ जाते हैं, मैम वीडियो क्यों नहीं डाली आपने है. हमको तो ये समझ नहीं आता कि यार इतने नार्सिसिस्ट की रीडिंग्स कौन देखता है, कौन देखता है, आप लोग देखते हो. अच्छा, बहुत देर हो गई है, बहुत बात कर ली है, पता नहीं हो सकता है ये रीडिंग हमारे लिए भी हो. कुछ कलेक्टिव एनर्जीज हमने ग्रैब की है, शायद हमारी भी एनर्जीज थोड़ी सी ऐसी डाउन होने लग रही है बार बार, तो देखते हैं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है. गॉड की गाइडेंस के तौर पे लीजिएगा इस रीडिंग को, डायरेक्ट समझ लीजिएगा कि डायरेक्ट खुदा की तरफ से ये मैसेज आ रहा है आपको, जिसको भी आप मानते हैं, क्योंकि तू ना जाने आसपास है खुदा. तो रीडिंग कर रहे हैं हम, ठीक है. गॉड मैसेज वेरी इंपॉर्टेंट, इस रीडिंग को ज़रूर देखिएगा कि
हमको जो बिल्कुल ग्रैब होगी एनर्जीज, और जो हमको ऐसा लगेगा कि डायरेक्ट एंजल्स और गॉड हमसे कम्युनिकेट कर रहे हैं और आप लोगों को जानने की ज़रूरत है, वो हमको बताएंगे और वही मैसेज हम आप तक पहुँचाएंगे। ठीक है, कलेक्टिव जनरलिटी है गॉड मैसेजेस। क्या चाहते हैं भगवान भी आप लोगों से कहना। पिकअप आइल भी बना सकते थे लेकिन हमने नहीं बनाया क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज़ होते हैं। इनफैक्ट हम खुद कन्फ्यूज़ होते हैं यार। पाइल रखेंगे, अभी 3 पाइल रखेंगे, उसमें फिर हम सोचेंगे कि हम कौन सा चुने भाई, हैं कौन सी मैसेज कब आया है, और फिर बाद में पूरी रीडिंग देखते रहेंगे कि क्या था, क्योंकि हम भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि कौन सी रीडिंग में क्या था। कलेक्टिव रीडिंग में हम भूल जाते हैं, जो रीडिंग करते हैं ना वो उसी वक्त हमको माइंड में सब कुछ आता है और हम फ्लो फ्लो में बोल देते हैं, बोलते चले जाते हैं, लेकिन बाद में हम भूल जाते हैं कि हमने क्या बोला था, रीडिंग में क्या आया था। गॉड मैसेजेस, ठीक है, माफ़ी चाहेंगे, 16 मिनट तो हमने बकवास में ही लगा दी, लेकिन कुछ लोगों को हमारी बकवास भी अच्छी लगती है यार, कमाल ही हो गया है। यहाँ तो लोग हमारा थोबड़ा देखना पसंद नहीं करते यार और आप लोग हमको सुनते हैं, हैट्स ऑफ, हैट्स ऑफ। देखते हैं गॉड मैसेज, भगवान जी क्या कहना चाहते हैं हमसे। 4 ऑफ कप्स पहला कार्ड, कार्ड देख रहे हैं क्या हालत बना रखी है आपने ये। ऐसे 4 सुनहरे कप ऐसे सामने उल्टे पड़े हैं और आप भी पड़े हुए उल्टे हैं। इसकी एनर्जीज है भाई, सही है, सही है, सही है कि हमको इतनी रात को रीडिंग करने के लिए आना पड़ा आप लोगों के लिए। गॉड मैसेजेस, भगवान क्या बोलना चाहते हैं। छोड़ दो, छोड़ दो, जिस चीज़ के बारे में सोच रहे हो, जिस चीज़ के बारे में, जिस प्राणी के बारे में, जिस सिनेरियो, जिस रिलेशनशिप, जिस करियर, जिस हेल्थ, जो भी आपको परेशानी है, थोड़े समय के लिए छोड़ दो उसके बारे में सोचना। आपको इतना स्ट्रेस लेने का अभी नहीं बनता है। ये दोपहर को भी आया था किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये अभी भी आया है किंग ऑफ वॉन्ड्स। आपकी एनर्जीज में कोई तो ऐसा पर्सन है जिसको लेके आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ज़्यादातर लोग यहाँ पे रिलेशनशिप में ही अटके हैं, रिलेशनशिप में ही स्टक हैं डेफिनेटली। ज़्यादातर लोग, मोर देन 75% पीपल यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ रिलेशनशिप के लिहाज से इस रीडिंग को देखेंगे और उनसे मैच भी हो जाएगी कि हाँ पर्टिकुलर पर्सन ही है जो आपके दुखों का कारण है। ऐसे इंसान ही इंसान के दुखों का कारण होता है। दोपहर को भी ये रीडिंग आई थी, एस ऑफ कॉइंस ये कार्ड भी आया था दोपहर को, आया था आपने देखा था ना, दोपहर को 5 जब हम वीडियो बना रहे थे तब भी ये कार्ड आया था। एनर्जीज बहुत सिमिलर आ रही हैं, अभी हम बताते हैं। 4 ऑफ कप्स भी आया है, 4 ऑफ सोर्ड्स भी आया है। किस बात के इतने इतना इतना विचलित क्यों हो रहे हो, किस बात के लिए हो रहे हो। कोई छोड़ के चला गया है तो जाने दीजिए, जाने दीजिए उसको, क्या दिक्कत है, क्यों उसको पकड़ के बैठे हो। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पे, 4 ऑफ कप्स है, गॉड का मैसेज है, डायरेक्ट मैसेज है। देखिए ट्रिगर वार्निंग है, फिर से हम बोलेंगे कुछ चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा हिट कर रही हैं और वो हम आपको बताएंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बताना ज़रूरी है। जाने दीजिए, जाने दीजिए, जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि देखिए जस्टिस तो अपने टाइम पे होगा ना। और जो लोग आपको दुख देते हैं, आप क्या चाहते हैं। नहीं आप एक बात बताइए, एक मिनट, ज़रूरी बात है, क्या चाहते हैं। ये पर्टिकुलर पर्सन आके आपके कदमों पे पड़ के नाक रगड़ें, खुश हो जाएंगे आप। अगर ये आपके पैरों में पड़ के नाक रगड़ेंगे या आपके पैरों में गिर जाएंगे तो आप खुश हो जाएंगे, शांति मिल जाएगी, आपके कलेजों को ठंडक मिल जाएगी। ये जस्टिस चाहते हैं, और इस जस्टिस के लिए इतना पेन, इतना सोच रहे हो यार। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज, जबकि इस समय, ये जो समय है ना, ये आपका एक अच्छा टाइम आया है, द
तभी शायद ये आपको बताना ज़रूरी है इस रीडिंग पे कि ये इतना अपना टाइम आ गया, आप बोलते वो मूवी आई थी ना, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा, आपका टाइम जब आ गया है तब आप इतनी ओवर थिंकिंग में इतना स्टक फील कर रहे हो, जबकि इस समय आपको अपना नया चैप्टर लिखने का है, आपको कोरा कागज़ होता है ना, कोरा कागज़ देखा है आपने, कोरा कागज़ में बिल्कुल प्लेन एक पेपर होता है, ठीक है, वो आपके सामने प्रस्तुत है, एक ऐसा ऐप लगा लीजिए वाइट कर्टेन है जिस पर भगवान आपको दे रहे हैं और बोल रहे हैं कि अपनी दास्तान अब आप तुम इस पर लिखो, अपने आप लिखो, क्रिएट योर ओन लाइफ, क्रिएट योर ओन जर्नी। एस ऑफ कॉइन्स मतलब ये आपको इस एनर्जीज में आने की ज़रूरत है, ठीक है, आपका इंतज़ार कर रहा है एक बहुत ही खुशहाल जीवन, लेकिन ये ब्लॉकेजेस आपने खुद ही क्रिएट कर रखे हैं। रिलीज इट एज सून एज पॉसिबल, पता नहीं किसके लिए है भाई, ट्रिगर होगा आप लोगों को, रिलीज इट एज सून एज पॉसिबल, हम देखते हैं कि क्या रिलीज़ करने की ज़रूरत है, हो सकता है कि आपको इस पर्टिकुलर पर्सन को रिलीज़ करने की आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स है यहाँ पर, रिलेशनशिप का तो बहुत ज़्यादा मैटर है ही यहाँ पर, लेकिन आपका एक अच्छा समय अभी शुरू हुआ है जिसमें आप बहुत सारा धन कमाने के लिए, धन अर्जित करने के लिए ना ये वक्त वो है, और क्योंकि आप अपना इस समय में ये किसी को याद करने में ही इतना समय बर्बाद कर रहे हैं, और उस वजह से आपकी तरफ जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं और कुछ चीज़ों को होने खुद ही नहीं दे रहे हैं, खुद ही ब्लॉक उसको रोक रहे हैं। शायद इसलिए दोपहर को भी ऑलमोस्ट सेम टू सेम रीडिंग आई थी कि कोई एक पर्टिकुलर पर्सन है जो आपको पाना चाहते हैं, लेकिन आप फाइनली किसी और के साथ सेटल हो रहे हैं, ऐसी एनर्जीज आई थी। हायरोफेंट का कार्ड है यहाँ पे, हायरोफेंट कुछ लीक से हटके चीजें होने को है जिसका अंदाजा आपको नहीं है, लेकिन हमने बार बार यही हमको सुनाई दे रहा है कि तू ना जाने आसपास है खुदा, आपको पता ही नहीं है कि लीक से हटके क्या चीज़ें होने वाली हैं आगे आने वाले समय में। नवरात्रि का मौका है और इस समय हम ये रीडिंग कर रहे हैं, 12 बज गए हैं घड़ी में, 12 बज के 5 मिनट दिखा रहा है, तो नवरात्रि का आज 9वां दिन है, ठीक है, 12 बज के 5 मिनट में ये हायरोफेंट का कार्ड आया है, और कितना पवित्र कार्ड होता है आपको मालूम है, लेकिन क्या ही फ़ायदा है जब आप ऐसे हैंग्ड मैन की पोजीशन में रहेंगे, हैंग्ड वुमेन, हैंग्ड मैन, टेक इट हाउट रेजोनेट्स, ज़रूरी नहीं है कि ये वुमेन आया है तो आप वुमेन हो, मैस्कुलिन फेमिनिन सबके लिए ये रीडिंग है, ठीक है। बहुत स्पिरिचुअल, बहुत बहुत आप लोग, बहुत लाइफ लेसन्स आप लोगों ने जितने अभी तक एक्सपीरियंसेस किए हैं ज़िंदगी में, लाइफ लेसन्स लिए हैं, ठीक से उससे आप सीखे नहीं हैं, कुछ लोग अभी तक उस चीज़ से सीखे नहीं हैं, अभी भी वो सेम पैटर्न दोहरा रहे हैं और वापस से उसी चीज़ में चले जाते हैं। बिल्कुल हम अपने ऊपर भी थोपेंगे, चिंता मत करिए, हम अपने ऊपर भी थोपेंगे। ये देखिए थ्रोट चक्र ब्लॉक हुआ, गले में आवाज़ हमारी एकदम से बंद हुई, बात करने में तकलीफ हुई, खुल के बोलिए, आप खुल के बोलिए, जो भी है जिसको भी जो भी बताना है ना, कब तक दबा के रखेंगे दूसरों को, कब तक खुश करते रहेंगे, खुल के बोलिए, जो भी आपके मन में है, जो भी आपके विचार है ना, वो जगजाहिर कर दीजिए, ऐसे दबा के मत रखिए, आप इतना हेजिटेंट नहीं होइए, और ये इतना ओवर थिंकिंग जो आप इतना सोच रहे हैं ना, जिस बारे में सोच रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के लिए, अगर आप ऐसा एनर्जीज में अगर आप है ना, तो इस पर्सन को घंटा फर्क नहीं पड़ता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, आपको ट्रिगर होगा, आपको बुरा लगेगा कि आप सुनते हैं, क्योंकि बहुत सारी यूट्यूब में करंट फीलिंग्स होती है ना, और वो देखिए वो ना एक चार्म आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का जरिया होता है, जिसमें वो लिख देते हैं कि दिस पर्सन इज़ अबाउट टू कॉन्टैक्ट यू। हमारी वीडियोज़ में आपने देखा होगा, हम बहुत कम करते हैं, बहुत कम करते हैं, जब हमको लगता है कि ये प्राणी आ रहा है तो आ रहा है भाई, जब आ रहा है तो हम क्यों मना करें और क्यों नहीं बोले कि रीयूनियन, रिकन्सिलिएशन,
लेकिन जब हमको वाइब्स ही नहीं आती है कि ये पर्सन आएगा और जाएगा, मुंह उठा के वापस से वही तकलीफ़ देने आ रहा है, तो क्या ज़रूरत है उस चीज़ को एंटरटेन करने की जब आपका दिल टूटेगा? अरे 5 मिनट की चांदनी के लिए आप इतना क्यों रो रहे हो यार? देखिए, हमको नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे कर्मा कैसे हैं, ख़राब हैं, अच्छे हैं, पता नहीं, लेकिन हमको अपना कर्मा अच्छा करना है, ठीक है? कर्मा अगर हमारा ख़राब रहा है तभी तो ऐसी पिछले जन्म के कर्मा ख़राब रहे होंगे ना, तभी तो चीज़ें मतलब हमारे फेवर में वर्क नहीं करी हैं, ठीक है? कुछ हर्टफुल चीज़ें हमको सुनने को मिली, धोखे मिले हैं, हैं, और बैकस्टैबिंग है, ठीक है? लेकिन हमको अपने कर्मा ठीक करने हैं, बैलेंस करने हैं, ताकि भाई अगले जन्म की बात छोड़िए, हमको क्या मालूम यार हमने पिछले जन्म में क्या किया था और अगले जन्म में क्या बन के आएंगे, हमको क्या मालूम है? क्या मालूम है, भगवान थोड़ी है। और लेकिन बस ये है कि एक ख्वाब है कि एक ख्वाब है कि एक मिनट ये कैमरा बैक हो जाता है क्या? अगर बैक हो जाता है तो बहुत अच्छा रहेगा। एक मिनट, अरे नहीं यार, ये तो कुछ भी नहीं हुआ है, क्या हुआ था? वीडियो तो चल ही रहा है, कैमरा बैक नहीं हुआ। हमको लगा ये कैमरा पीछे का कैमरा हो जाएगा तो हमारा थोड़ा दिखेगा नहीं। बार बार इमोशनल हो रहा है ना, तो अच्छा नहीं लग रहा हमें। हमारी इच्छा ये है कि हमारे हमारे इस दुनिया से जाने के बाद लोग हमें अच्छे नोट पर याद करें। बस इतना सा ख्वाब है ये। जी तो बस इतना सा ख्वाब है हमारा कि एक मिनट, थोड़ा टाइम लग रहा है, एक मिनट। जी हम आ गए। इतना सा ख्वाब है कि हमारे दुनिया से जाने के बाद लोग हमें एक अच्छे नोट पे याद करें। तो इतना सा ख्वाब है हमारा, छोटा सा। जब भी जाएं, हमारे जाने के बाद लोग ये ना बोले कि अच्छा हुआ वो चली गई, फिर से कर्मा खराब हो जाएंगे ना। तो मान लीजिए नहीं, अगले जन्म में तो हमको नहीं आना है, दुनिया में आने का नहीं है, हम चाहेंगे कि ये हमारा आखिरी बर्थ हो। लेकिन बाय चांस अगर दोबारा कुछ कर्मा हमारे इस जन्म के रह गए जो वापस से शायद कैरी फॉरवर्ड हो और वापस से चीज़ें हमको दोबारा से झेलनी पड़े, भुगतनी पड़े, इन केस अगर ऐसा हुआ तो हमारे जाने के बाद भी कुछ लोग हमको कर्ज करेंगे ना कि यार अच्छा हुआ चली गई, बहुत नार्सिसिस्ट थी, बहुत बुरी थी, ये थी वो थी, तो अगला जन्म भी खराब हो गया। तो उस चीज़ को हम चाहते हैं कि वो बैलेंस हो जाए और जितने भी पुराने जो हमारे सिंस हैं या पाप है जो हमने पिछले जन्म में ख़राब किया होगा किसी का, तो वो सब चीज़ें बैलेंस हो जाए, वो सब चीज़ें धुल जाए, मिट जाए, हैं इस जन्म में जितना अच्छा हमसे हो सकता है उतना हम करें। कभी कभार देखिए हम भी थक जाते हैं कि हम मन में सोचते हैं, बिल्कुल सोचते हैं, इंसान है, सोचेंगे ही कि इतना अच्छा करने के बाद ही हमको क्या मिल रहा है यार, कहाँ क्या मिल रहा है, क्या दे रहे हैं भगवान, सुनते क्यों नहीं है? लेकिन
फिर हमको लगता है कि देखिए अब ऐसा तो नहीं है ना कि हम नेगेटिव हैं तो हम आपको भी नेगेटिव करें, हैं हम खुद डीमोटिवेटेड हैं तो हम सामने वाले को भी डीमोटिवेट करें, सच्चा थोड़ी होता है। आपका ये फ़र्ज़ बनता है कि आप कितने भी नेगेटिव परिस्थितियों में हो, आप सामने वालों को हमेशा उनका हौसला बढ़ाते रहें। ये थोड़ी बोलेंगे कि जाके मर जाओ, कहीं पानी में कूद के डूब के मर जाओ, है ऐसे थोड़ी होता है। आपके मन में अगर ऐसे विचार आ भी रहोगे तो आप सामने वाले को थोड़ी बोलोगे कि आप ऐसा करो, कौन बोलता है ऐसे। हालांकि आप कितने भी टूटे हुए हो, आपके अंदर कितनी भी नेगेटिविटी और कितनी भी परेशानियां चल रही हो, लेकिन आप ऐसा किसी को नहीं बोलोगे ना कि यार जाके मर जा तू, है ना। खुदा के नेक बंदे तो नहीं बोलेंगे ऑब्वियसली, भले ही कितनी तकलीफ हो खुद गिव अप करना चाहेंगे, लेकिन किसी और को गिव अप करने को थोड़ी बोलेंगे। थ्री ऑफ कप्स, ये कार्ड हमें अचानक से इस समय ये दिखा रहा है कि जजमेंट की वाइब्स आई हमें इससे, थ्री ऑफ कप्स से ऐसा लगा जैसे सारे लोग दे आर कमिंग टुगेदर। कोई भी हो सकता है, टू पीपल, थ्री पीपल, फोर पीपल एक एकजुट हो रहे हैं, फाइनली दे आर कमिंग इनटू अलाइनमेंट, दे आर कमिंग इनटू यूनियन, ठीक है। लेकिन ये तभी होगा ना जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, जब आप ज़िंदगी के सारे जो लेसन्स हैं वो ले लेंगे, सीख जाएंगे, और वही उसी पैटर्न में फंसे रहना आप बंद करेंगे। एक पर्टिकुलर इंसान के पीछे आप भाग रहे हैं अगर, जो आपको इस पर्टिकुलर पर्सन ने आपका करियर भी दांव पे लगा दिया है, आपका हेल्थ भी कहीं ना कहीं एक दांव पे लगा हुआ है, फाइनेंसिस का कोई अता पता नहीं है, इंडिपेंडेंट आप हो नहीं पा रहे हैं, पैरों पे खड़े नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं हो पा रहे हैं? क्योंकि आपके सारा दिन आपका पूरा इर्द गिर्द बस इसी इंसान के आसपास ही, आप सारा दिन वहीं पे, यू आर ड्वेलिंग अराउंड दिस पर्सन ओनली, बस ये पर्सन मिल जाए तो सब कुछ मिल जाए। मतलब कोई इंसान किसी के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, हम मानते हैं, बिल्कुल मानते हैं, ऑब्वियसली झूठ नहीं बोलेंगे। लेकिन जब सामने वालों को कदर नहीं है तो क्या ज़रूरत है? आपको समझा रहे हैं, लेकिन ये गलतियां हम भी करते हैं, झूठ नहीं बोलेंगे, हम भी गलत करते हैं, हम भी सोचते हैं कि कभी तो किसी को एहसास हो। लेकिन झूठी उम्मीद कब तक रखेंगे आप? और यहाँ पर आया है नाइट ऑफ कॉइन्स, जो कि नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। तो ये आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है, अभी आया ये कार्ड। क्यों आया है ये? गॉड शायद यही बताना चाहते हैं कि अपने काम पर आप फोकस रहिए, अपने काम पर ध्यान दीजिए। अगर कोई आपको टाइम फ्रेम बताया जा रहा है, कोई अगर आपको कोई टाइम लिमिट बताया जा रहा है कि 9 दिनों के अंदर कोई पर्सन आ जाएगा, हो सकता है हमने ही बताया हो, और मान लीजिए 9 दिनों के अंदर वो पर्सन नहीं आया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि दुनिया ख़त्म हो गई है। ऐसा नहीं है, दुनिया ख़त्म नहीं हुई है, ठीक है। दुआएं कीजिए, आप दुआएं कीजिए इस पर्टिकुलर पर्सन के लिए भी कीजिए, सोचिए कि जहाँ रहे, जिसके साथ रहे, खुश रहे हैं, और बस ठीक है, उसकी ज़िंदगी भी हंसी खुशी गुजरे। सुकून मिलता है, एक मिनट जी। तो हम ये कह रहे थे कि जो प्यार है ना, वो पाने का नाम नहीं होता है, कभी कभार देना भी पड़ता है। लेकिन अगर आपने बहुत बहुत ज़्यादा ज़्यादा दिया है तो ऑब्वियसली आपको तकलीफ होती होगी कि इतना करने के बाद हमको क्या मिला है। तो ठीक है, ये मान के मान लीजिए ना, क्या दिक्कत है ये? अरे एक्सेप्ट कर लीजिए ना, मान लीजिए कि भाई नसीब में नहीं था है? और हो सकता है पिछले जन्म के हमारे कर्मा इतने ख़राब रहे, या इस पर्टिकुलर पर्सन के साथ हमने पिछले जन्म में बहुत ही बुरा किया होगा, तभी इस जन्म में इसने हमारे साथ ऐसा किया। देखिए आसान नहीं होगा मानना, हम नहीं मान पा रहे तो आप कैसे मानेंगे हैं? हम तो खुद आप लोगों को बताते हैं टैरो रीडिंग कर करके हैं, लेकिन हम खुद ही नहीं मान पाते तो हम आपसे क्या उम्मीद करें? लेकिन आप लोग बिल्कुल हमारी तरह है ना, इसलिए आप इस चैनल पर जुड़े हैं। आप
लोगों की सोच भी हमारे जैसी होगी। क्या गॉड मैसेज देखते हैं, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ कॉइन्स आया है। क्या बोला था हमने आपको, किंग ऑफ वॉन्ड्स के नीचे किंग ऑफ कॉइन्स आया है। कंफ्यूजन होने वाली है, आप लोगों को पहले बता देते हैं कि आप उस पर्सन को चुनना है जिसके लिए आप बहुत रो धो चुके हो ऑलरेडी, या आपको कोई नया पर्सन चुनना है जो आपकी तरफ आ रहा है, क्योंकि नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पे है। नाइट ऑफ कॉइन्स यहाँ पर है, स्लो एनर्जीज हैं। कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली आ रहा है जब आप लीस्ट एक्सपेक्ट करेंगे, तब अचानक से दोनों आ जाएंगे ज़िंदगी में, जिसका आप इंतज़ार कर रहे हैं वो भी, और जिसका इंतज़ार नहीं है आपको, आप चाहते नहीं हैं कोई आए, लेकिन एक नया प्राणी भी आपकी ज़िंदगी में आया। भगवान जी आपको वो देते हैं ना जो आपके लिए अच्छा होता है। बहुत जगह पर हमने पढ़ा है, बहुत जगह पर हमने सुना है कि भगवान जी आपको वो देते हैं जो आपके लिए अच्छा होता है। आप जो मांगते रहिए कितना भी करिए, कई बार भगवान जी वो आपसे इसलिए ले लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि ये आपके लिए ठीक नहीं है इसलिए। लेकिन अगर तो देखिए, फिल्मों में भी दिखाता है ना कि जब लीस्ट एक्सपेक्ट किया तो यहाँ हम दिल दे चुके सनम देखी है आपने, अगर नहीं देखी है तो हम रेकमेंड करेंगे जाके देखिएगा। जो पागलों वाला प्यार होता है ना, वो जो हीरोइन को होता है वो होता है, लेकिन अंत में वो जाती किसी और के पास ही है। फाइनली उसको ये रियलाइजेशन होता है कि सिर्फ पाने का नाम ही प्यार नहीं होता है, देने का भी होता है, और उसको किसी ने कितना दिया है। कुछ पर्सन को रियलाइजेशन ही नहीं होते हैं, है ना। ऐसे थोड़ी होता है कि कोई बस हाथ पे हाथ धर के बैठ जाए और ये सोचे कि भाई नंदनी तो आ जाएगी मेरे पास कहीं ना कहीं से, नंदनी विल कम। उस मूवी की बात कर रहा है, उसमें समीर को लगता है कि समीर हवा का झोंका, उसमें समीर को लगता है कि नंदनी आएगी, बस उसका प्यार उसको खींच के लाएगा, जो कि लाया। लेकिन साथ में भी तो कोई था ना जो उसको लेके गया। कॉन्ट्रीब्यूशन किसका ज़्यादा है, पलड़ा किसका भारी हुआ, नंदनी के प्यार का या जो दूसरा पर्सन था उसके प्यार का, पता नहीं। ये मूवी ही हमको क्यों ख्याल आया इस मूवी का। अब कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ कुछ होता है, ले लीजिए ठीक है, अंजलि को प्यार होता है राहुल से, पागलों वाला प्यार होता है, लेकिन वो गिव अप कर देती है, वो राहुल की खुशी के लिए वो चली जाती है, वो ये सोचती है कि नहीं राहुल जहाँ जिसके साथ खुश है तो उसके साथ उसको रहने दिया जाए। लेकिन टीना के साथ क्या होता है, टीना डाइज इन बिटवीन, वो दुनिया से चली जाती है, लेकिन जाने के बाद भी उसका जो आत्मा है वो तृप्त नहीं होती है, वो इतनी पेन में होती है कि पूरा टाइम वो यही सोचती रहती है कि उसको जो है राहुल और अंजलि को मिलाना है। अगर आपको कुछ सेंस लग रहा हो, कुछ आप बता, हम पता नहीं, हम आपको जो समझाना चाहते हैं आप वो समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंत में जाके यूनिवर्स मिलाए या राहुल की डॉटर मिलाए, लेकिन वापस से अंजलि का जो अधूरा प्यार था वो कंप्लीट होता है, वो वापस से राहुल के साथ यूनियन में आती है। लेकिन ये होता है कि राहुल एक बार पहले शादी कर चुका होता है, उसके बाद अंजलि को वो मिलता है। देखिए जो नसीब में होता है ये तो फिल्में हैं, फिल्मी बातें होती हैं, लेकिन जो होना है वो तो होता ही है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों की ना शादी होने वाली है, पता नहीं किसके लिए है। नहीं, ये रीडिंग हम क्लेम नहीं करेंगे, मतलब हम ये रीडिंग अपने ऊपर नहीं थोपेंगे, ज़रूरत नहीं है हमें। हम अकेले ही ठीक है, डेथ का कार्ड दिखाई दिया। ट्रांसफॉर्मेशंस तो डेफिनेटली आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं,
आप कितना भी अवॉइड कीजिए वो आ रहा है, पर हम भी रेजिस्ट कर रहे हैं लेकिन कहते हैं ना, जब जब जो जो होना है तब तब वो होना है, और वो क्या रहेगा अगर यार स्टार का कार्ड दिखाई दिया है हमें यहाँ पे, दिल से कोई मांगी हुई मुराद तो आपकी पूरी होगी ही। सिक्स ऑफ कप्स हैं यहाँ पे, बहुत सारे विशेज, बहुत सारे खाबो खाए जाते हैं आपकी पूरी होंगी, और दो दो पर्सन आप थोड़ी रख सकते हैं ज़िंदगी में, आप खुद सोचिए, दो दो पर्सन आप रख सकते हैं, दो दो इंसान के साथ लाइफ बिता सकते हैं, नहीं। लेकिन यहाँ पे दो प्राणी है, एक मुश्किल दौर आपकी ज़िंदगी में आएगा जब आपको चुनना पड़ेगा कि आप किसको चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में रखना। हमने आपको शुरू में ही बोला, अभी भी हमको वापस से ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि फ़िलहाल के लिए थोड़ा रुक जाइए, तनिक शांत हो जाइए, रिलीज़ कर दीजिए, जाने दीजिए चीज़ों को, बिल्कुल बिल्कुल अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, होता ना फ्री, जैसे होता ना आप लोग आसन करते हैं, अगर योगा वगैरह करते हैं तो एक आसन होता है ना शवासन, उसमें इंसान बिल्कुल अपने आप को ऐसा ही छोड़ देता है जैसे मर गया है, तो उसी तरीके से अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दीजिए, ठीक है। बस समझ लीजिए कि बस जो जैसा हो ठीक है, वैसे ही एक्सेप्टेंस है, वो बोलते हैं ना स्मूथली जाने का, जैसी ज़िंदगी आपको जिस बहाव में लेके जा रही है उसी बहाव में बह जाइए, बिल्कुल वो विद द फ्लो वाली एनर्जीज में चले जाइए, और बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लोगों को लेने का, एक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन आप लोगों की ज़िंदगी में आ रहा है, ट्रिगर वार्निंग है ऑब्वियसली फिर से, और ये अष्टमी के दिन ही हमको, नवमी के दिन ही हमको ये ट्रिगर वार्निंग्स क्यों आ रही है मालूम नहीं, लेकिन नवरात्रि का मौका है, बहुत पावन अवसर है, और शायद माता रानी कुछ कहना चाहती होंगी, कुछ उन्होंने सोचा होगा आप लोगों के लिए, तभी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं सुन रहे हैं, लेकिन आप लोगों के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है, कुछ आप लोगों की तरफ बहुत इम्पॉर्टेंट आ रहा है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट जो आपकी तरफ आ रहा है वो आप एक लीस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ की वजह से दरकिनार कर रहे हैं या छोड़ रहे हैं, ऐसी एनर्जीज आपकी हैं इस समय, तो हम आपको ये बोलेंगे कि आप छोड़ दीजिए, जो लीस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको भी, जो इम्पॉर्टेंट है उसको भी आप छोड़ दीजिए, लेट यूनिवर्स डिसाइड, लेट गॉड डिसाइड कि आपकी ज़िंदगी के लिए क्या अच्छा है, क्या डिसीजन आपको एक लेना होगा, और वो अपने आप सही टाइम पर ले लेंगे एम सी, लेकिन एक ऐसा मौका आ रहा है, एक ऐसा टाइम आ रहा है जिसमें शायद आपको कुछ बहुत ही कठोर निर्णय लेने पड़े, दोनों ही पर्सन आ रहे हैं, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जीज में नाइट ऑफ कप्स है, जो कि हम बहुत अच्छा मानते हैं, तो नाइट ऑफ कॉइन्स भी आया, नाइट ऑफ कप्स भी आया, नाइट ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ वॉन्ड्स नहीं आ रहा है, देख रहे हैं आप, शायद इसलिए हम ये रीडिंग करने के लिए आए, तो जिस पर्सन को आप दिल से चाहते हैं ना, वो पर्सन भी हो सकता है सुधर के आपके तरफ आए, लौट के आए, लेकिन हम यही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप क्या चाहते हैं, कि वो प्राणी बस आपके सामने आके बस नाक रगड़ दे तो आपको जस्टिस मिल जाएगा, आप खुश हो जाएंगे, ऐसा नहीं है ना, दिल से जाने दीजिए, जो भी इन्होंने आपके साथ किया है उसको रिलीज़ कर दीजिए, अपने यहाँ पर ना बिल्कुल ऐसे भारी सा वो चट्टान नहीं होता है जो आपने यहाँ पर ऐसा रखा हुआ है, उसको हटा दो यार, उसको उसका भार कम कर दो, बस यूँ सोच लो कि जा जा जा, हमने तुझे माफ़ कर दिया, जा जा दूर जा, ठीक है माफ़ कर दिया, उसके बाद जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी, जो आनी है वो आएंगी, जिसको आना है वो आएगा, जिसको रहना है वो रहेगा, हम आपको हमेशा बोलते हैं आप दीवार पे कितना भी सर मार लो यार, मर भी जाओगे ना तो भी जो आपकी नसीब में है वही आपको मिलना है, कितना भी हाथ पैर मार लो कोई नहीं रुकेगा, जिसको आप रोकना चाहते हो जाने वाले को चला जाएगा छोड़ के आपको, और जिसको रुकना है नो मैटर व्हाट वो लड़ झगड़ के बादलों को चीरते हुए भी आपके सामने, धरती फाड़ के भी आपके सामने आएगा, एक मिनट जी, तो रीडिंग लंबी हो गई, माफ़ी चाहते हैं, ठीक है, तो ये थी एक गॉड की एडवाइस, हमें देखिए हमें जितना समझ आया हमने आपको बताया है, गणपति है हमारे सामने, ठीक है, और नवरात्रि का आज
नौवां दिन है, ठीक है। तो अगर अगर तो इन 9 दिनों में ऐसी कुछ चीज़ें घटी नहीं है तो आगे आने वाले समय में ये चीज़ें घटेंगी, क्योंकि नवरात्रों का जो पावन अवसर है वो अपने आप में माता रानी एक बहुत ही एक अच्छा सा वातावरण क्रिएट करके जा रही हैं। उसके लिए उन्होंने स्पेस बना दिया है, जगह बना दी है। अब वो आपके ऊपर है कि आप उस जगह पे रह के उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, अपनी तरफ आने देते हैं कि नहीं आने देते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। पता नहीं किस किस के लिए ये मैसेज है रेजोनेट करेगा, लेकिन प्लीज़ इतना डीमोटिवेट और इतना हारा हुआ महसूस मत कीजिए। ज़िंदगी में आप इस पर्टिकुलर प्राणी के लिए नहीं आए हैं दुनिया में, और भी बहुत सारे काम होते हैं, वो करिए, ठीक है। दुनिया के बड़े सारे काम हैं, वो करिए, हैं आपका कोई ना कोई सोल पर्पस भी होगा। लोगों को हील कीजिए, लोगों को मोटिवेट कीजिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, एंड क्या बोलते हैं उसको, दुआएं दीजिए, दुआएं लीजिए। तो चलिए हम चलते हैं, बार बार पॉज करना अच्छा नहीं लग रहा हमें। थोड़ा इमोशनल हो जाते हैं ना इसलिए। तो चलिए चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड सी वेरी गुड, ठीक है। और आज आखिरी दिन है टैरो रीडिंग्स बुक करने का, अभी बुकिंग्स ओपन है, आप कर सकते हैं, ठीक है। 999 में 6 questions वाली, तो लास्ट डे है, इसके बाद ये ऑफ़र हमेशा हमेशा के लिए क्लोज हो जाएगा। हमेशा हमेशा के लिए मतलब अभी कुछ टाइम के लिए ऑब्वियसली क्लोज हो जाएगा। तो अगर आपको कुछ जानना है, कुछ आप लोगों को बहुत ज़रूरी निर्णय लेने हैं, कोई डिसीजन आप लोगों की ऐसा लग रहा है कहीं पे आप अटके पड़े हैं, कोई एडवाइस चाहते हैं, तो अवश्य हमें कॉन्टैक्ट कीजिएगा, ठीक है, हम आपकी मदद ज़रूर करेंगे। तो अभी चलते हैं, खुश रहिए, आबाद रहिए, हंसते रहिए, साथ रहिए, डू गुड एंड रिसीव वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू एवरीवन। थोड़ा सा आशीर्वाद हमें फेंक के मार दीजिएगा। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही।